हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कार्डिगन के बॉर्डर का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इस डिज़ाइन को लेडीज कार्डिगन, गर्ल्स स्वेटर टॉप में अप्लाई कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 12 के मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है और 12 सिलाइयों में कम्प्लीट होता है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए इसमें फंदे डाल दिए हैं। ये मैंने 27 फंदे डाले हैं और एक सिलाई उल्टी साइड से, एक सीधी साइड से उल्टी उल्टी बना ली। अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। पहला फंदा हम उल्टा बना लेंगे, ऐसे ही उतार लेंगे या उल्टा बना लेंगे धागा पीछे की तरफ। एक फंदा सीधा, फिर यहाँ पे हम जाली डाल देंगे। इस तरीके से एक फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ किया और ऐसे घुमा के जाली डाल दी। अब चार फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार। चार फंदे उल्टे बनाने के बाद तीन फंदों का एक फंदा करेंगे, एक दो और ये तीन। तीन फंदों का एक फंदा कर लिया। अब फिर से चार फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार। चार फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा ये अपनी तरफ है। अब सीधा फंदा बना लेंगे। ये हमने सीधा फंदा बना लिया, यहाँ पे हमारी जाली आ गई। और फिर से धागा अपनी तरफ करके ऐसे घुमा लेंगे, ये यहाँ पे हमारी एक जाली फिर आ गई। ये देखिए, एक जाली हमारी ऐसे यहाँ पे आ गई सीधा फंदा बनाने में। फिर हमने धागा घुमा लिया, एक जाली और आ गई, यहाँ पे दो जाली आ गई। फिर हम चार फंदे उल्टे बना लेंगे, एक दो तीन चार। चार फंदे उल्टे बना लिए, फिर से तीन का एक करेंगे, फिर से तीन फंदों का एक उल्टा फंदा बनाएंगे। ये इस तरीके से तीन फंदों का एक फंदा कर लिया। अब चार फंदे फिर से उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन और ये चार। चार फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से धागा ये अपनी तरफ ही है, इसको ऐसे घुमा लेंगे एक जाली डाल के। धागा अपनी तरफ है, ये फंदा हम सीधा बना लेंगे। चार फंदे उल्टे बनाने के बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ ही है। ये ऐसे करके यहाँ पे जाली आ गई, एक फंदा सीधा जाली और फिर धागा अपनी तरफ करके ये उल्टा फंदा बना लेंगे, लास्ट का उल्टा फंदा। ये हमारी पहली सिलाई सीधी साइड से कंप्लीट हो गई है। अब आ गए हम दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से। ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेंगे। इसको पूरी उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेते हैं।
ये हमारी दूसरी सिलाई उल्टी साइड से कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम तीसरी सिलाई पे पहला फंदा बना लेंगे या ऐसे उतार लेंगे। तो मैंने बना लिया है धागा पीछे की तरफ, ये दो फंदे हम सीधे बना लेंगे। दो फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और ऐसे घुमा लेंगे, जाली डाल लेंगे। अब तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद अब ये तीन फंदों का एक फंदा करेंगे ऐसे, तीन का एक कर लिया। अब फिर से तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ ही रहेगा। अब ये तीन फंदे हम सीधे बना लेंगे ऐसे, यहाँ पे हमारी जाली आ गई, एक फंदा सीधा, दो तीन, तीन फंदे सीधे, और ये पहले जाली आ गई, तीन फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ ऐसे घुमा लेंगे, एक जाली फिर आ गई, अब तीन फंदे उल्टे बना लेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद इन तीन फंदों का एक करेंगे, एक दो और ये तीन, इन तीन फंदों का एक फंदा बना लेंगे इस तरीके से, तीन का एक कर लिया। अब फिर से तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे बना लिए, धागा अपनी तरफ ही है। अब ये दो फंदे सीधे बना लेंगे, यहाँ से जाली आ जाएगी और ये दो फंदे सीधे, और ये लास्ट का फंदा उल्टा बना लेंगे। ये हमारी सीधी साइड से तीसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम उल्टी साइड से चौथी सिलाई पे इसे हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। उल्टी सिलाई हर बार उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी ही बनेगी और डिजाइन सीधी साइड से डलेगा। ये हमारी चौथी सिलाई है उल्टी साइड से, इसको हम ऐसे ही उल्टा उल्टा कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी चौथी सिलाई भी उल्टी साइड से कंप्लीट हो गई है। अब आ गए हम पांचवी सिलाई पे सीधी साइड से। पहला फंदा बना लेंगे या उतार लेंगे जैसा आपको ठीक लगेगा। फिर धागा पीछे की तरफ, अब ये तीन फंदे हम सीधे बना लेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे बना लिए। धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे घुमा लेंगे, जाली डाल लेंगे। अब दो फंदे उल्टे बना लेंगे, एक दो, दो फंदे उल्टे बनाने के बाद इन तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ये तीन उल्टे फंदे हैं, इनका एक फंदा बना लेंगे ऐसे, तीन का एक करके फिर से दो फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो, दो फंदे उल्टे बनाने के बाद यहाँ पे धागा अपनी तरफ है, यहाँ पे ये पांच फंदे हम सीधे बना लेंगे, धागा अपनी तरफ ऐसे करके। यहाँ पे हमारी जाली आ गई, एक जाली आ गई, ये सीधा फंदा, एक दो तीन चार पांच, ये पांच फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे घुमा लेंगे जाली डाल के, ये हमारी जाली आ गई यहाँ पे। अब दो फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो, दो फंदे उल्टे बनाने के बाद अब ये तीन फंदों का एक फंदा करेंगे, एक दो तीन, इन तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, तीन का एक कर लिया। अब दो फंदे उल्टे बना लेंगे,
दो फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ है, अब ये तीन फंदे सीधे बना लेंगे ऐसे करके। यहाँ पे हमारी जाली आ गई, ये हमारी जाली आ गई, एक फंदा सीधा, दो सीधा, तीन, ये तीन फंदे सीधे हो गए धागा अपनी तरफ, और ये लास्ट का फंदा उल्टा बना लेंगे। ये हमारी सीधी साइड से पांचवी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आ गए हम उल्टी साइड से छठी सिलाई पे, इसको हम उल्टा उल्टा ही बना लेंगे। उल्टी साइड से छठी सिलाई उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी छह सिलाई कंप्लीट हो गई उल्टी साइड से। अब आगे सातवीं सिलाई पे सीधी साइड से, ये हमारी सातवीं सिलाई है। पहला फंदा उतार लेंगे या बना लेंगे। धागा पीछे करेंगे, ये चार फंदे अब सीधे बना लेंगे, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे घुमा लेंगे, यहाँ पे जाली आ जाएगी, एक फंदा उल्टा बना लेंगे। एक फंदा उल्टा बनाने के बाद तीन फंदों का एक फंदा करेंगे, एक, दो, तीन, इन तीन फंदों का एक फंदा बना लेंगे। तीन फंदों का एक फंदा बना लिया, फिर एक फंदा उल्टा बना लेंगे धागा अपनी तरफ। अब ये सात फंदे सीधे बना लेंगे ऐसे, ये यहाँ पे जाली आ गई, एक फंदा सीधा, दो, तीन, चार, पाँच, छ और सात, ये सात फंदे सीधे बना लिए। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस ऐसे घुमा लेंगे, यहाँ पे जाली आ गई, अब एक फंदा उल्टा बना लेंगे। एक फंदा उल्टा बनाने के बाद तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, तीन का एक हो गया ये, तीन फंदों का एक फंदा, अब एक उल्टा फंदा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा। धागा अपनी तरफ, अब ये चार फंदे सीधे बना लेंगे, चार फंदे सीधे बना लिए। चार फंदा सीधा बनाने के बाद एक, दो, तीन, चार, चार फंदा सीधा बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, आखिरी का फंदा उल्टा बना लेंगे। यह हमारी सीधी साइड से सातवीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम उल्टी साइड से आठवीं सिलाई पे, इसको हम उल्टा उल्टा बना के, इसे हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते हैं आठवीं सिलाई उल्टी साइड से। ये हमारी आठवीं सिलाई उल्टी साइड से कंप्लीट हो गई है। अब आ गए हम सीधी साइड पे नवी सिलाई पे। पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे या बना लेंगे, इसको मैंने ऐसे बना लिया है। धागा पीछे की तरफ करेंगे, अब देखिए, अब यहाँ पे हम पांच सिलाई सीधे बना लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच सिलाई सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और इसको ऐसे घुमा लेंगे। यहाँ पे हमारी जाली आ गई,
अब ये तीन उल्टे फंदे हैं, इन तीन फंदों का एक फंदा कर लेंगे ऐसे। इन तीन फंदों का एक फंदा कर लिया इस तरीके से। धागा ये अपनी तरफ है। अब यहाँ पे ये जाली के सीधे फंदे हैं, सारे सीधे बना लेंगे ऐसे। ये हमारी यहाँ पे जाली आ गई और ये सीधा फंदा, ये जाली। अब ये सारे फंदे सीधे बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और ये नौ। ये फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे। धागा अपनी तरफ करके ऐसे ऐसे घुमा लेंगे और ये जाली आ गई यहाँ पे। अब ये जो तीन फंदे हैं उल्टे, इनका एक करेंगे, इन तीन फंदों को एक फंदा बना लेंगे। तीन फंदों का एक फंदा कर लिया, धागा अपनी तरफ है। और ये पांच फंदे सीधे बना लेंगे ऐसे। और यहाँ पे हमारी ये जाली आ गई और ये पांच फंदे अब सीधे, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे सीधे बनने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और ये लास्ट का फंदा उल्टा बना लेंगे। ये नौ सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई हैं सीधी साइड से। अब आगे उल्टी साइड दसवीं सिलाई, इसको पूरा उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये दसवीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये बनने के बाद ऐसा दिखता है। ये तो बनने के बाद ये ऐसा दिखता है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।